ओके ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग? चलिए आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एनओ, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होमो एटोमिक, ओके होमो नहीं है, ये कैसा है, हेट्रो एटोमिक, ठीक है। क्या है ये? हेट्रो एटम डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ओके। क्या है? हेट्रो एटम हेट्रो एटम डाई हेट्रो डाई एटमिक, ओके। किसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एमओ ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का हमें निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या करते थे हम, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, क्या हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताते थे, कैसे बताते थे हम लोग भाई? अगर यहाँ पे क्या होते, अगर सेम है, आप नाइट्रोजन का निकाल लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का क्यों? क्योंकि इसमें होमो एटम है, ठीक है। तो होमो एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमो एटम होमो डाई एटम एक मॉलिक्यूल, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, ओके। हेट्रो एटम है, एक क्या नाइट्रोजन, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ओके। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नाइट्रोजन से आते हैं हमारे 7, ओके 7, और प्लस 8 कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 15 इलेक्ट्रॉन को हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में, ओके। तो देखते हैं, ओके मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ओके तो फ्रेंड, हमने ये एनर्जी स्केल बना लिया है, ओके। ये क्या है हमारा 2s, हम यहाँ पे 1s को क्या कर रहे हैं, हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मानेंगे, ओके ये हो गया हमारा 1s, राइट। तो 1s की जो क्या होगी, ये क्या हमारे सिग्मा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, और ये क्या हमारे एंटी बॉन्डिंग, ओके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और 1s और 2s के बीच में क्या है, एनर्जी गैप जो है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है, हाई द एनर्जी गैप बिटवीन द 1s एंड 2s ऑर्बिटल, ओके। तो इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो हम सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं फिलहाल, 2s और 2p, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम नाइट्रोजन, और एक तरफ लिख देते हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, 7, और 8 कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, ओके। तो हमको क्या करना है भाई, टोटल कितने हो गए हमारे, 15, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें फिल करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो हम देखते हैं कि भाई अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इस साइड क्यों ले रहे हैं, और ये ऑक्सीजन का जो है लोअर एनर्जी में क्यों है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे हम, 2 और 2, 4, ओके। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15, ठीक है। और 2 2 कहाँ निकल गए हमारे, 4 निकल गए थे किसमें, ये हमारे 1s में चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए थे, 1s में आ गए थे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, 4
फोर इसमें हो गए, एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गए, तो कितने बचे हमारे 15 माइनस 4, 11 इलेक्ट्रॉन बचे अभी हमारे पास। 11 इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो कैसे किया है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे, आप जानते हो ये क्या है हमारा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओके। और ये क्या है हमारा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओके, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि देखो, ये जो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन क्या हैं कि वो बॉन्डिंग में हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग में जब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं पास में हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है इतनी, और ऑक्सीजन की होती है 3.44, राइट। ये क्या है ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, 3.44, और नाइट्रोजन के लिए कितनी है इतनी, ठीक है, 3.04, राइट। तो हमने देखा भाई कि भाई जो ऑक्सीजन में बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, वो किस में ज़्यादा है, उसकी एनर्जी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीजन, ओके। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हैं वो किस कौन कर रहा है, उनको पार्टिसिपेट कर रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे भाई, अगर मान लो हमें ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। हमने देख लिया भाई कि ऑक्सीजन के पास जो हैं वो क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे बताएंगे हम कि भाई ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा ही एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मोर देन द नाइट्रोजन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, क्या निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनो का, तो वही फॉर्मूला हमारा क्या था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 8 एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 1 3, राइट, डिवाइडेड बाय 2 5/2, द बॉन्ड ऑर्डर विल कम ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा 2/2, ठीक है, 2/2 या 2.5, ठीक है। तो अब आप कहोगे भाई कि बॉन्ड ऑर्डर 2/2 कैसे हो सकता है, मतलब आधा बॉन्ड थोड़ा ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है फ्री, मतलब ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा समझ चुके हैं हम, कितना आ रहा है 2.5, या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनओ का जो बॉन्डिंग बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, हमें एक्सप्लेन करनी होगी बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाइए, ठीक है, यहाँ जी रफ करता हूँ।
ठीक है, थोड़ा स्पेस भी मिलेगा हमारे लिए। ओके तो आप जानते हो ऑक्सीजन कितने बनाते हैं बॉन्ड? ऑक्सीजन सिर्फ बनाता है दो, ठीक है, टू डबल बॉन्ड से ही हो सकता है, लेकिन जब प्लस थ्री भी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हम प्लस टू में बॉन्ड बनाएंगे, टू बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने कर दिए, दो, 1 2 3 4, फोर इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इन्होंने, बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने थे टोटल, 11, यहाँ से ले रहे हैं 11 थे, 11 में से कितने हो गए, फोर, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास। तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर सकते हो, थ्री बॉन्ड पेयर बना दोगे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके, डिवाइडेड बाई टू, अगर एक लोन पेयर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो कितने करेंगे, थ्री, अब भी यही आ रहा है, ठीक है, मतलब 3.5, लेकिन क्या करेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई बॉन्डिंग में जो थे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो पास हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के, ओके, किसके पास हैं, ऑक्सीजन के, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो है बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसके पास है, आप देख रहे हो यहाँ पे, इफ़ यू सी हियर वेरी केयरफुली, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजर टू ऑक्सीजन देन द नाइट्रोजन, ओके। तो अगर आप यहाँ देखा कि भाई ऑक्सीजन के पास क्या है, सॉरी, ऑक्सीजन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा इसके पास होंगे, ठीक है, टू ये हो गए, अब दो लोन पेयर हो गए और दो बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। तो इसके कितने पास हो गए, इसके पास हो गए सिक्स, ठीक है, अब कितने बचते हैं हमारे, 2 6 12, ओके, अब बचते हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये क्या है हमारा, एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में है, तो क्या होगा ये, और ओके, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनता है हमारा, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ये बनता है, या लुईस स्ट्रक्चर, ओके, लुईस स्ट्रक्चर। अब इस स्पीसीज को क्या बोल सकते हो आप, इसमें क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, राइट। लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हो, एक क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो कोई भी अनपेड स्पीसीज आपको दिखी होगी, या आप क्या जानते हो कि भाई कोई भी अनपेड स्पीसीज जो होती है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होती है, फ्री रेडिकल, ओके, क्या होती है, फ्री रेडिकल्स, राइट। तो आप इतना कॉन्सेप्ट समझ पाए, क्यों, और ये क्यों होता है भाई, ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, क्यों, देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है, क्या बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, स्टेबल बॉन्ड। और क्या होता है, ठीक है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंट नहीं है, तो बॉन्ड का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, कोवलेंट, राइट, कैसा होगा, कोवलेंट इन नेचर, राइट। दो बातें समझ में आई, एक तो क्या बनेगा, स्टेबल बॉन्ड बन गया ये, ओके, सेकंड इज कोवलेंट इन नेचर, क्यों, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड का नेचर हो गया, राइट। और क्या है हमारा, यहाँ आपने देखा कि भाई ये क्यों जा रहा है, क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, ठीक है, हायर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस द अट्रैक्शन विल बी मोर, ठीक है, द अट्रैक्शन विल बी मोर, राइट। तो यहाँ पर देख का पता चला कि भाई ऑक्सीजन के पास में क्या है, ओके, प्रोटॉन भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, राइट, और तो ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पे, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने पास
पास के जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोज कर लेगी, राइट। तो ये हमारा था, यहाँ पे देख लिया हमने कि बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हमारा 2.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, ओके। तो अब आप देख भी चुके हो कि भाई इतना भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, वो किस फॉर्म में, वो इस फॉर्म में हो सकता है, हैं। ये क्या हो गया हमारा फ्री रेडिकल, क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल में क्या होता है, कोई भी स्पीसीज जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हो, राइट, कोई भी स्पीसीज जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हो क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल। और हमने देखा भी कि भाई जो हमारे इलेवन इलेक्ट्रॉन थे, इन्हें इलेवन इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, एन ओ बॉन्ड में, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा क्यों आए, क्योंकि भाई इसने बॉन्डिंग में भी तो बॉन्डिंग एनर्जी में भी इसके पास ही है, ठीक है। तो ऐसे ही केस में होता है सी ओ के, ओके। सी ओ का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू, और मिलते हैं।